आर्थिक संकट से जूझ रहे पाकिस्तान ने अब भारत के साथ स्थायी शांति की बात की है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने कहा है कि उनका देश क्षेत्र में शांति बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध है। द न्यूज इंटरनेशनल अखबार की खबर के मुताबिक शरीफ ने कहा, हम बातचीत के जरिए भारत के साथ स्थायी शांति चाहते हैं, क्योंकि युद्ध किसी भी देश के लिए कोई विकल्प नहीं है। हालांकि इस दौरान शरीफ ने कश्मीर राग भी अलापा। हार्वर्ड विश्वविद्यालय के छात्रों के एक समूह को संबोधित करते हुए शरीफ ने कहा कि संयुक्त राष्ट्र के प्रस्तावों के तहत कश्मीर मुद्दे का हल क्षेत्र में स्थायी शांति से जुड़ा हुआ है। दरअसल कश्मीर मुद्दा और आतंकवादी गतिविधियों के कारण भारत पाकिस्तान के बीच संबंध अक्सर तनाव भरे रहे हैं। भारत की ओर से जम्मू कश्मीर का विशेष राज्य का दर्जा खत्म किए जाने और राज्य को दो केंद्र शासित प्रदेशों में बांटे जाने के बाद दोनों देशों के बीच संबंध और खराब हो गए। हालांकि भारत ने बार बार कहा है कि कश्मीर भारत का अभिन्न अंग था, है और हमेशा रहेगा। भारत का कहना है कि वो आतंकवाद, अस्थिरता और हिंसा मुक्त माहौल में पाकिस्तान के साथ सामान्य पड़ोसियों जैसा संबंध चाहता है। उधर छात्रों के साथ बातचीत में शरीफ ने कहा कि पाकिस्तान और भारत को व्यापार, अर्थव्यवस्था और अपने अपने नागरिकों के जीवन स्तर को सुधारने के लिए प्रतिस्पर्धा करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान आक्रामक नहीं है, लेकिन उसके परमाणु हथियार और सेना प्रतिरोधक शक्ति है।